अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिनते शमीम और आज मैं आप लोगों के साथ वनीला कपकेक की रेसिपी शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम अवन को प्रीहीट करने रख देते हैं। कपकेक बनाने के लिए हम यहाँ पर दोनों बर्नर प्लस फैन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, साथ ही 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट्स टाइमर सेट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कप प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा लिया है। इसमें मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब मैं इसे साइड पर रख दूँगी। यहाँ पर मैंने 125 ग्राम रूम टेम्परेचर पर बटर लिया है, फ्रिज का रखा हुआ इस्तेमाल नहीं करेंगे। और साथ ही इसमें मैं 1 कप शुगर ऐड करूंगी और इसे हैंड बीटर की मदद से बीट करूंगी। ज़बरदस्त सा क्रीमी टेक्सचर आने तक हम इसे अच्छी तरह से बीट करेंगे। इसे मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट मीडियम स्पीड पर बीट किया है। अब मैं इसमें एक एक करके 2 अंडे शामिल करूंगी और इसे बीट करूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप देख सकते हैं बैटर का टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी सा हो गया है और इसका कलर भी लाइट येलो हो गया है। अब इस पॉइंट पे मैं 1.5 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करूंगी और इसे 1 मिनट लो स्पीड पर बीट करूंगी। मैं 1/2 फ्राई इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी और इसे मिक्स करूंगी और साथ ही इसमें मैं 3/4 कप मिल्क ऐड करूंगी। बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी और मिल्क ऐड करूंगी और इसे अच्छी तरह से बीट करूंगी। कपकेक का बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है, अब हम इसे मोल्ड में फिल कर लेते हैं। इतने बैटर में आप इजीली 15-18 स्टैंडर्ड साइज कपकेक्स बना सकते हैं। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट्स हम इसे बेक होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने जबरदस्त से ये बेक हुए हैं, बिल्कुल परफेक्ट कपकेक्स बने थे। और इस तरह से मैंने कपकेक्स को डेकोरेट किया था, बिल्कुल बेकरी जैसे कपकेक्स बनके तैयार हुए थे। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने। आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। अल्लाह हाफिज़।